ऑफ यू 10th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 संघवाद यानी कि फेडरलिज्म जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेटा हम जो है बेसिकली जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ये पावर शेयरिंग होती है। ठीक है, और पावर शेयरिंग के अंदर क्या होता है कि पावर शेयरिंग किस तरीके से की जाती है बेटा, पावर शेयरिंग दो तरीके से की जाती है, या तो हॉरिजेंटल वे में या फिर वर्टिकल वे में। ठीक है, तो जो संघवाद होता है संघवाद में किस तरीके से पावर शेयरिंग की जाती है, उसमें पावर शेयरिंग की जाती है इस तरीके से यानी कि वर्टिकल वे में। ठीक है, तो वर्टिकल मतलब ऊपर सेंटर फिर स्टेट देन लोकल गवर्नमेंट्स, इस तरीके से पावर शेयरिंग की जाती है। तो फेडरलिज्म जो है आज हम फेडरलिज्म चैप्टर अपना जो है स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी है, और मैं विश्वास रखती हूँ ऐसा कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इसके बारे में आप प्रीवियस चैप्टर जो क्लासेस हैं आपकी उनमें काफी कुछ सीख करके आए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पूरे तरीके से, कि जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया कि बेल्जियम का एग्जाम्पल मैंने आपको लेकर के बताया था कि वहां पर भी जो है पावर शेयरिंग को किया गया। इसके बाद जो है अगर हम अपने विश्व के मैप पर नजर डालते हैं तो बेटा कुल जो है 192 कंट्रीज हैं जिनमें से 25 ऐसी कंट्रीज हैं जो संघीय व्यवस्था को अपनाती हैं, जो फेडरलिज्म को अडॉप्ट जिन्होंने किया है। ठीक है, ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन होता है, एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कुल जो है कितने देशों में संघीय व्यवस्था वर्तमान समय में है, तो 25 कंट्रीज आपका आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी। ओके, एंड नाउ 40%, लेकिन खास बात क्या है कि 40% जनसंख्या जो है विश्व की इन 25 कंट्रीज में रहती है जहां पर क्या अपनाया गया है, जहां पर फेडरलिज्म अपनाया गया है। ओके, अब देखो इसके बाद जो हमारे लिए खास पॉइंट है और खास क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स में आ सकता है कि संघवाद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या फिर संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपकी बुक के अंदर आप जाएंगे तो आपकी बुक में जो है 15 पेज नंबर 15 पर जो है दी गई है इसकी विशेषताएं। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था में क्या क्या विशेषताएं हैं वे पेज नंबर 15 पर हैं, तो उसको आप जो है हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। 7 पॉइंट्स हैं, 7 देखो। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि 2 स्तर की सरकार होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी व्यवस्था जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है वो संघीय व्यवस्था कहलाती है। तो इंडिया के अंदर सेम 2 या 2 से अधिक यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ जो है लोकल गवर्नमेंट्स का भी प्रोसेस रखा गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या होता है बेटे, कि जो भी अलग अलग स्तर की सरकारें हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है और फिर उसके बाद जो है हमारी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग है लेकिन सब किस सबके ऊपर जो है सब किसके ऊपर जो है शासन करते हैं, सब एक ही नागरिक ग्रुप के ऊपर। सरकारें अलग अलग होती हैं किंतु नागरिक समूह एक ही होता है, देश की जनता जो है वो एक ही होती है। देश की जनता कभी सरकार केंद्र सरकार के लिए वोट डालती है तो कभी राज्य सरकार के लिए वोट डालती है, तो लेकिन जनता क्या होती है सेम होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट कहते हैं कि संविधान में वर्णन, किस चीज का वर्णन किया गया है संविधान में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर चीज का एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि इसको सेंटर एंड स्टेट्स की जो पावर्स है उनको। ठीक है, तो जो भी संविधान के अंतर्गत क्या किया गया है, संविधान के अंतर्गत जो है विभिन्न स्तर की सरकारें, जो भी संघवाद शासन व्यवस्था में चाहे 2 स्तर की सरकारें हैं चाहे 3 स्तर की सरकारें हैं, जैसे आपने बेल्जियम में पढ़ा था कि बेल्जियम के अंदर सामुदायिक स्तर की सरकार की भी थी, तो वहां पर क्या होता है संविधान में सबका वर्णन किया जाता है, संविधान के अंदर सबकी शक्तियों का स्पष्टीकरण किया गया है कि किसको कितनी पावर कहां पर मिली हुई है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है संविधान के मौलिक प्रावधानों में जो है प्रावधानों में सांझी सहमति का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि कोई भी चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है सभी क्या करती हैं, जो भी मौलिक प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, जो भी मौलिक प्रावधान मतलब फंडामेंटल जो भी इसमें प्रोविजंस हैं, जो बेसिक रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्मेशन किया जा रहा था बनाया गया था उस समय जो उसके अंदर प्रोविजंस जो रखे गए थे, प्रावधान जो रखे गए थे, उनको जो है सांझी सहमति का मतलब क्या है, अगर उनमें कुछ भी जो है, पहली बात तो बेटा उनमें चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर मान लीजिए उनमें कोई भी चेंज करना है तो अकेले जो है कोई भी एक गवर्नमेंट केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं कर सकती है, सांझी सहमति की आवश्यकता उसमें पड़ती है। ठीक है, जब भी कोई ऐसा बदलाव करना है जो सीधा जो है मौलिक प्रावधानों से जुड़ा हुआ है तो उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ही सहमति
चाहिए। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है न्यायालय क्या है। न्यायालय इसमें बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है, ठीक है। मतभेद होने पर किसके बीच में मतभेद होगा, सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में अगर मतभेद होता है किसको लेकर के, अपनी शक्तियों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के, ठीक है। अगर उनके बीच में कोई भी जो है विवाद खड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाना यानी कि डिस्प्यूट हो जाना उनके बीच में जो है उनके बीच में, मान लो किसी भी अधिकार को लेकर के, कार्यक्षेत्र को लेकर के अगर उनके बीच में कोई भी जो है डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसे में कौन भूमिका निभाता है, निर्णायक भूमिका कौन निभाता है, न्यायालय। ओके, सिक्स पॉइंट देखो, वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता मतलब क्या होता है, वित्तीय मतलब होता है फाइनेंशियल और स्वायत्तता मतलब होता है ऑटोनोमस, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, कि वित्तीय स्वायत्तता के देखो बहुत सारे काम करने होते हैं राज्यों को और केंद्र सरकार को, दोनों को ही, ठीक है। तो सभी कार्यों के लिए बेटा क्या चाहिए होती है, आय चाहिए होती है, इनकम चाहिए होती है। तो ये जो है प्रोविजन रहता है संघवाद में, फेडरलिज्म में, कि आय के दोनों के अलग अलग स्रोत होते हैं, केंद्र सरकार के पास भी आय के स्रोत अपने अलग होते हैं, जैसे जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, और वैसे ही जो है सेम राज्य सरकारों के पास भी टैक्स वगैरह इकट्ठे करने के अपने अलग से प्रावधान होते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो वित्तीय व्यवस्था उनके पास रहती है कि उनको कैसे अपने काम जो है उन विकास कार्य कैसे किस तरीके से करने हैं। सेवंथ पॉइंट है हमारा दोहरे उद्देश्य। दोहरे उद्देश्य का मतलब क्या है, दोहरे उद्देश्य का मतलब क्या है कि केवल जो है इनको केवल देश की एकता और अखंडता को ही बनाए नहीं रखना है, ठीक है। साथ में जो हमारा इतना बड़ा कंट्री है जिसके अंदर दुनिया भर की डायवर्सिटी भरी पड़ी है, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, बहुत सारी चीजों में हमारी विविधता है, तो उन सारी विविधताओं को भी जो है उन सब विविधताओं को लेकर के और देश के अंदर जो है अनेकता की भावना नहीं बल्कि एकता की भावना को पैदा करना भी जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे जो है किस तरीके से के क्या क्या विशेषताएं हैं संघवाद की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगली बात देखिए, अगली बात क्या कहते हैं कि संघवाद जो होता है उसके अंतर्गत सरकारें कैसे काम करती हैं, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि संघवाद के अंतर्गत सरकारें कैसे काम करती हैं। तो सरकारें दो प्रकार से काम करती हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर वे में और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर वे में। ओके, तो कमिंग टुगेदर वे क्या है, इसमें देखो, जब कमिंग टुगेदर जो है इसका मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ ला करके, ठीक है, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ ला करके एक बड़ी इकाई गठित की जाती है, तब उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर व्यवस्था में काम करना, ठीक है। कि भाई सारे के सारे जो है क्या कर रहे हैं कि सारे राष्ट्रों को एक साथ ला करके एक बड़ी इकाई में उनको बांध दिया गया है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, और इसमें जो है खास बात क्या ध्यान रखी जाती है कि यहाँ पर जो है दोनों के पास बराबर प्रभुसत्ता होती है, ठीक है। जो बड़े स्टेट है वो भी, जो छोटे स्टेट है उनके पास, सबके पास बराबर पावर होती है, सब अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। ये है कमिंग टूगेदर। ये कहाँ पर लाई करती है बेटा, ये यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि, इन जगह पर ये लाई करती है, इधर पर ये जो है यहाँ पर चलती है। होल्डिंग टुगेदर है दूसरी, जिसको होल्डिंग टुगेदर मींस जो है ये हमारी इंडिया के अंदर है बेसिकली, पहली बात तो आप ऐसे समझ के चलिए। दूसरा, यहाँ पर विविधताओं के कारण यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं। जैसे अगर आप राज्यों का भी इतिहास देखें बेटे, तो राज्यों का, बहुत सारे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही हुआ है, ठीक है। कुछ राज्यों का गठन जो है क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर हुआ है। तो इस तरीके से जो है राज्यों का, बहुत सारे राज्य जो है यहाँ पर विविधता के कारण राज्यों का गठन और उन राज्यों को शक्ति देना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था, तो इसलिए ये सिस्टम यहाँ पर अपनाया गया है संघवाद का, होल्डिंग टुगेदर वाला, कि हमने जो है सभी राज्यों को सेटिस्फाइड किया है और सब राज्य और स्टेट दोनों मिलकर के क्या करते हैं, दोनों मिलकर के शक्तियों का देश को चलाने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमने क्या सिस्टम रखा है, केंद्र को ज्यादा पावरफुल रखा है, ठीक है। तो कोई भी मामला अगर ऐसा होता है, जैसे जो है अगर हम ये देखें कि जो है ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन की बात करें, तो हम यहाँ पे सेंटर को जो है ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स आपको जरूर पता होने चाहिए कि जो हमारी जो है ये किस प्रकार की, दोनों में से किस किस के क्या क्या एग्जाम्पल है। दूसरी में है भारत, स्पेन और बेल्जियम आदि, ठीक है। तो इस तरीके का हो गया ये, ठीक है। देखो कमिंग टुगेदर में तो दो से या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ ला करके एक बड़ी इकाई बनाई जाती है,
और यहाँ पर राज्य अलग से सरकारें बनाएंगे और केंद्र सरकार अलग से रहेगी, ठीक है। यहाँ पर दोनों के पास बराबर प्रभुसत्ता होती है, यानी कि जो भी स्टेट साथ साथ आए हैं सबके पास बराबर पावर रहेगी, डिसीजन मेकिंग पावर बराबर रहेगी, सब अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेंटर और स्टेट मिलकर के काम करेंगे, लेकिन सेंटर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सेंटर की बात ज्यादा चलती है। इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है बेटे, क्या भारत में संघवाद की शर्तें पूरी की गई हैं? जैसे हम कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है संघवाद है, तो क्या इंडिया के अंदर संघवाद की शर्तें पूरी की गई हैं, आप क्या समझते हैं? तो देखो, मैं ये समझती हूँ इस मामले में जो हमारे चैप्टर के अंदर दिया गया है, कि हमारा चैप्टर क्या बताता है, हमारे चैप्टर में यह बताया है कि सबसे पहले तो विशेषताएं बताई है संघवाद की, और उसके बाद ये बताया गया है कि संघवाद की विशेषताओं के आधार पर फिर हम ये देखें कि क्या भारत में ये सब चीजें लागू होती हैं। तो नो डाउट भारत इन सब चीजों को फॉलो करता है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर भी सेंटर और जो है स्टेट दोनों की गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर भी है, दो स्तरीय सरकारें, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी है, जैसे डेफिनेशंस में ही क्या होता है, दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें जहां पर काम करती हैं उसे हम जो है संघवाद की डेफिनेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्र और राज्य तो है ही, इसके अलावा और कौन कौन सी है, लोकल गवर्नमेंट भी होती है। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो आप सबको पता है इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है कि एक ही नागरिक समूह है जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए वोटिंग करता है। अगर हम बात करें संविधान में वर्णन की, तो संघवाद की ये विशेषता है, संविधान में वर्णन किया जाता है सभी की शक्तियों का, केंद्र और स्टेट की शक्तियों का। तो हमारे यहाँ पर भी सेम यही सिस्टम है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियों का अलग अलग वर्णन किया गया है। इसके लिए बाकायदा जो है शक्तियों का वर्णन करने के लिए हमारे यहाँ पर राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची को स्पेशली रखा गया है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद विस्तार पूर्वक आपको समझा दूंगी, ठीक है। उसके बाद जो है मौलिक प्रावधानों में सांझी सहमति भी होती है हमारे यहाँ पर, जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो संविधान में संशोधन करने होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विषय भी होते हैं जिसमें जो है आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति होनी ज्यादा जरूरी होती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति होनी चाहिए, तभी वो जो है मौलिक प्रावधानों से संबंधित कोई भी लॉ या राइट्स उसके बारे में सुधार किया जा सकता है। हमारे यहाँ आपको पता है जुडिशरी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पर न्यायालय ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके बाद वित्तीय स्वायत्तता, हमारे यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रखा गया है बेटा, सेंटर और स्टेट के आय के साधन अलग अलग हैं, ठीक है। और दोहरे उद्देश्य ये भी ठीक है, देखो सेंटर और स्टेट दोनों का ही उद्देश्य क्या होता है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना और अच्छे तरीके से यहाँ पर सारा काम करना, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं अपने जो ये दी गई है अपने यहाँ पर तीन प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची की अगर हम बात करें बेटे, संघ सूची जो है, संघ सूची बेसिकली इसमें कितने विषय हैं, इसमें 97 विषय हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। इस पर निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है बेटे, इस पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र का होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है महत्वपूर्ण विषय सबसे पहले मैंने लिख दिया, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको आप समझते हैं? आप सब बच्चों को कम से कम जो आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं, आपको उन सब का नाम क्लियर होना चाहिए कि भाई ये कौन सी सूची में है, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर जो है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का मतलब कि दूसरे राष्ट्रों से अपने आप को बचाने का, विदेशी मामले के दूसरे देशों से हमारे क्या संबंध होने चाहिए, ये चीज, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है, ठीक है। उसके बाद जो है संचार और मुद्रा, ये पांच चीजें आपके बुक में दी हुई हैं, ये आपको पांचों चीजें याद होनी चाहिए। इसके अलावा देखो केंद्र सरकार में टोटल 97 विषय हैं, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रतिरक्षा यानी कि दूसरे देशों से हमारे को देश को बचाने का काम सेंटर गवर्नमेंट का है। विदेशी मामले के किसी दूसरे देश के साथ क्या संबंध स्थापित करने हैं, क्या व्यापारिक नीति रहेगी, क्या सैनिक जो है समझौते होंगे, जो भी काम है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। बैंकिंग, जैसे कि आप देखते हैं कि आरबीआई जो है वो एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है। उसके अलावा जो बैंक है वो सब आरबीआई के अंडर ही काम करते हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, बैंकिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया है, ठीक है।
जो स्टेट के अंडर आने वाले बैंक हैं वो भी फाइनली किसके अंडर काम करते हैं, वो भी सेंटर के अंडर ही काम करते हैं। इसलिए बैंकिंग जो है वो कहाँ से रिलेट करेगा आपको, वो आपको संघ सूची के से रिलेट करेगा, और संघ सूची पर किसका अधिकार होता है, केंद्र का अधिकार होता है। ठीक है, संचार यानी कि इंटरनेट वगैरह जो होता है हमारा, जो भी हमारे जो जो भी जिनसे हम सूचना प्राप्त करते हैं, चाहे वो समाचार पत्र है, चाहे वो मीडिया है, कोई भी चीज है, उन सब पर किसका अधिकार है, केंद्र सरकार का। मुद्रा से संबंधित कि कितने नोट छापे जाएंगे या जो है बंद होंगे, नए आएंगे पुराने आएंगे, जैसे आप बच्चों को याद होगा कि डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है उसके बारे में घोषणा की गई थी, ना कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी क्या थे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, और वर्तमान समय में भी हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद संघ सूची हो गई। उसके बाद दूसरा है बेटा राज्य सूची। ठीक है, कि राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत जो है 66 विषय आते हैं। ठीक है, और जो राज्य सूची है उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है, उस पर निर्णय लेने का अधिकार होता है राज्य सरकार का। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से विषय आते हैं हमारी बुक में जो दिए गए हैं, आपको सबसे पहले उन पर कंसंट्रेट करना है। जैसे पुलिस, आप सबको पता है हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस, इस तरीके से हम बच्चे कहते हम कहते हैं, तो पुलिस कैसा विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, व्यापार राज्य सूची का विषय है, कि किसी को भी व्यापार करना है तो अपने अपने राज्य से ही परमिशन लेनी होती है। ठीक है, वाणिज्य, वाणिज्य करने के लिए यानी कि व्यापार वाणिज्य ये सब चीजें। उसके बाद जो है कृषि, कृषि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कृषि, तो कृषि के बारे में जो है ये राज्य सूची का विषय है, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद कृषि के साथ साथ जो है सिंचाई, ठीक है, और शिक्षा जो है वो कभी, शिक्षा जो है बेटा वो कभी तो राज्य सूची में आ जाता है, कभी केंद्र सूची में आ जाता है, तो वो समय समय पर जो है कभी उसमें चेंज हो जाता है, इस तरीके से कुछ चलता रहता है उसके अंदर सिस्टम। ठीक है, हालांकि देखो शिक्षा जो है इसीलिए हम उसको कौन से सूची में रखेंगे, समवर्ती सूची में रखेंगे, अभी हम तीसरी डिस्कस करते हैं समवर्ती सूची अपनी। ठीक है, तो समवर्ती सूची जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टोटल 47 विषय हैं। ठीक है, ये विषय देखो कम बत्ती भी हो सकते हैं, बढ़ और घट भी सकते हैं, इसलिए इसकी ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो ये लास्ट में क्या कहते हैं, ये लास्ट में इसके अंदर जो है कौन कौन से विषय हैं, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण विषय हैं, सबसे पहले तो हम शिक्षा ही रखेंगे। ठीक है, जैसे आप बच्चों को सबको पता है दो, एक तो सबका राज्य बोर्ड होता है। ठीक है, जैसे आपका हरियाणा बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, आंध्रा बोर्ड है, इस तरीके से, और दूसरा जो है एक सीबीएसई बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो केंद्र के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है राज्य सरकारें, शिक्षा क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही विषय है। अगर किसी प्रकार का कोई विशेष कानून बना के निकालना हो, कहीं पे कोई बात कहनी हो, तो किसकी बात का, केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वही फाइनली राज्यों को भी लागू करना पड़ेगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वन, वन विभाग भी समवर्ती सूची में आता है, यानी कि इस पर निर्णय लेने का अधिकार किस किस को है बेटा, इसको पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, और ज्यादा पावरफुल कौन है, ये ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा पावरफुल है, केंद्र ज्यादा पावरफुल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है वन हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, मजदूर हो गया, मजदूर संघ जैसे बोलते हैं जिसको हम, मजदूर संघ हो गए। उसके बाद विवाह, तलाक, ये सारी चीजें, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे संबंधी जो भी विषय होते हैं वो सारे जो है समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है एक और बच जाता है बेटे, जिसको हम जो है बाकी बचे विषय के नाम से भी जानते हैं, बाकी बचे विषय, या फिर हम इसको बेटे कहते हैं अवशेष शक्तियां, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, अवशेष शक्तियां भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये अवशेष शक्तियां क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है, और भी जो जो भी अन्य ऐसे विषय हैं जो बच गए हैं। ठीक है, बचे हुए विषय, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं बेटा, वो बचे हुए विषय सारे किसके अंदर आएंगे, अवशेष शक्तियों के अंतर्गत रखे जाएंगे, जिन पर किसका अधिकार रहेगा, जिन पर मुख्य रूप से केंद्र सरकार का अधिकार होता है। जैसे अभी जो है हमने इतनी सारी बातें की, ठीक है, तो अभी जो है जिस समय हमारा संविधान निर्माण हो रहा था उस समय जो है जब
उस समय के दौरान जो है कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट जो नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में जो है कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या बन गया है, कंप्यूटर क्या बन गया बेटा, कंप्यूटर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। तो इसलिए जो है कहाँ पर आएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है वो अवशेष बचे हुई शक्तियों के अंतर्गत आएगा। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में अगर कोई भी निर्णय लेना है तो वो कौन लेगा, उनको जो है केंद्र सरकार के द्वारा वो निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी जो है स्थिति जो है हमारे यहाँ पर संघवाद के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कैसी नीति है बेटा, हमारे यहाँ पर कैसी है, होल्डिंग टुगेदर। यानी कि होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है कि सबको साथ लेकर चलने की नीति जो इसको जो है हमने अपनाया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है हम ये मानते हैं बेटा कि हमने तो अपनी तरफ से देखो ये माना हुआ है कि सभी राज्य बराबर हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले कुछ राज्य क्या होते थे, पहले कुछ राज्य ज्यादा शक्तिशाली होते थे। जैसे कि J&K के बारे में हम बात करें तो J&K का जो है अपना इंडिविजुअल संविधान होता था। ठीक है, ऐसी जो है वो अपने निर्णय खुद लेते थे, लेकिन अभी जो है आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जो है J&K भी क्या बन गया है, वो भी भारत का जो है एक अभिन्न अंग बन गया है, भारत का हिस्सा है, अब वो कोई अलग से राज्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस समय जो है J&K क्या है, एक यूटी के रूप में कार्य कर रहा है, वो एक अलग राज्य नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप बच्चों के लिए इस टॉपिक को अच्छे से अपनी बुक से रीड करेंगे, समझेंगे। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।